हेलो एवरीवन, आज मैं बना रही हूँ इंस्टेंट पोहा, जो कि बहुत ही इजी है बनाना और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। ब्रेकफास्ट के लिए मोस्टली हमें ऐसी रेसिपीज़ चाहिए होती हैं जो जल्दी से बन के तैयार हो जाएं, तो ये परफेक्ट रेसिपी है ब्रेकफास्ट के लिए। तो इसके लिए पहले मैंने 2 कप पोहा ले लिया है। ये नॉर्मल वाला पोहा लिया है मैंने, जो रेगुलर आता है। थिक वाला लोगे तो उसे आपको भिगा के रखने की ज़रूरत पड़ेगी, बट ये जो रेगुलर वाला है इसे भिगा के रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप एक बार वॉश कर लीजिए। तो इसके बाद यहाँ मैंने 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ चीनी ऐड की है। चीनी और सॉल्ट दोनों ही पानी रिलीज़ करते हैं, तो पोहा उसे पहले ही अगर आप ऐड कर दोगे तो अच्छे से फूल जाएगा। और थोड़ा सा यहाँ बीच बीच में अगर आपको लगे कि थोड़ा ड्राई हो रहा है तो थोड़ा पानी ऐड कर दीजिएगा और उसे अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, नहीं तो हमारा पोहा टूट जाएगा और खिला खिला नहीं बनेगा। तो हमें थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड करना है और इसे साइड में रख देना है ताकि ये अच्छे से फूल जाए। इतना हम और तैयारी कर लेते हैं। एक पैन लिया है मैंने, यहाँ थोड़ा ऑयल डाल लेंगे। यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। तो इसके अंदर 1/3 कप मैंने पीनट्स लिए, ये मैंने रॉ पीनट लिए है, कच्ची वाली। अगर आपके पास रोस्टेड हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, फिर आपको ये भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मैंने रोस्ट कर लिया, आप देख रहे हो ऐसा लाइट गोल्डन कलर आ गया है। तो इस तरीके का आपको कर लेना है, थोड़ा सा और इसे भूनना है और हल्का सा ब्राउनिश कलर आ जाएगा, तो वैसा ही आपको रखना है। तो यहाँ ये पीनट्स हो गई हैं, इसे हम निकाल लेते हैं। अगर आपको पोहे में सब्ज़ियाँ ऐड करनी है तो बस इसी ऑयल में आप सब्ज़ी कट करके यहाँ पर रोस्ट कर लीजिए थोड़ी देर, उसके बाद उसे बाहर निकाल लीजिए। यहाँ मैं सब्ज़ी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये जल्दी से बनाने वाला पोहा आज मैं बना रही हूँ, जो फटाफट तैयार हो जाता है। तो हमारा पोहा भी अच्छे से फूल गया है, इसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया सारा। तो उसके बाद यहाँ जिस ऑयल में मैंने पीनट्स फ्राई की थी उसी में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा राई के दाने, जीरा, हींग और हल्दी ऐड किया है। तो ये सारी चीज़ें हम थोड़ा भून लेंगे और उसके बाद हम जो पोहा हमारा था इसके अंदर ऐड कर देंगे। और पोहे को हमें यहाँ अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे जो मसाले हैं, हल्दी और सारी चीज़ें अच्छे से पोहे में मिक्स हो जाए और पोहे में अच्छा सा कलर आ जाए। उसके बाद आप इसके अंदर स्पाइसीनेस के लिए कुछ भी मिर्ची, आपको अगर रेड चिली डालनी है वो भी डाल सकते हैं। यहाँ मैं 1 हरी मिर्ची डाल रही हूँ और बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं तो स्किप कर दीजिए मिर्ची। उसके बाद यहाँ हमें इसे 2 मिनट के लिए पकाना है क्योंकि पोहे को ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमें यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे कुक करना है। यहाँ ये 3 मिनट हो गई है तो मैंने लिड हटा दिया है। इसके बाद यहाँ जाएगा कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया यहाँ आप जितना ज़्यादा हो सके उतना डालिएगा, मेरे पास आज कमी है तो मैं कम डाल रही हूँ। धनिया का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पोहे में। और यहाँ मैंने 1 चम्मच लेमन जूस डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खट्टा एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद हमें ये सारी चीज़ें मिलानी है और जो हमने पीनट्स भुनी थी, रोस्ट की थी, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अगर आपने कोई वेजिटेबल्स भी रोस्ट किए हैं तो वो भी इसी स्टेज पर आप ऐड कर लीजिएगा। और ये हमारा पोहा बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। देखा आपने कि कितना ईजीली और कितना जल्दी ये बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ था। मैंने खाया था तो मैं बता रही हूँ कि सच में एक बार अगर आपने ये बना लिया तो आप ब्रेकफास्ट में हफ्ते में 1 से 2 बार तो इसे बना ही लोगे। तो लास्ट में आप इसके ऊपर कोई भी भुजिया, नमकीन इसके ऊपर डालिए और इन्जॉय कीजिए। भुजिया और नमकीन से इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।